Hello friends, welcome to Jeet Aarya 247, and today I am going to explain the index solution of science class 10 chapter 2, that is acid, base and salt. This is first part, so let's begin. देखिए चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट जो कि क्लास 10 सीबीएसई के लिए है तो इसका इंडेक्स सॉल्यूशन मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं तो आई होप आपको समझ में आएगा तो ध्यान से पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पे अगर बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेज नंबर 18 से है। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ three test tubes, one of them contains distilled water and the other two contains acid solutions and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? इस क्वेश्चन में ये बताया है कि आपके पास एक रेड लिटमस पेपर दिया गया है और आपके पास तीन टेस्ट ट्यूब्स दिया है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में क्या है, एक में है डिस्टिल वाटर, दूसरे में है एसिडिक सॉल्यूशन और तीसरे में है बेसिक सॉल्यूशन। तो आपके पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर है, इसकी सहायता से आपको ये बताना है कि कौन से वाले डिस्टिल मतलब कि कौन से वाले टेस्ट ट्यूब में क्या क्या प्रेजेंट है। डिस्टिल वाटर ये सब का कलर लेस होता है तो पता आपको नहीं चलेगा, इस पर लेबल्ड भी नहीं किया हुआ है, सिर्फ इस सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है। तो इसके लिए आप क्या अप्रोच करेंगे, क्या आप आइडिया लगाएंगे, कैसे आप समझ पाएंगे कि आपका सॉल्यूशन कौन सा वाला क्या है। तो इसका बेसिक क्या है आप जानते हैं कि जो देखिए इसका आंसर पहले देख लेते हैं उसके बाद। यहाँ पे देखिए जो आप क्या होता है कि इसका जो लिटमस पेपर जो ओरिजिनल फॉर्मेट में होता है फ्रेंड वो आपका ब्लू कलर या तो पर्पल कलर का होता है, वो क्या होता है पर्पल होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो जो इसको हम लोग क्या करते हैं अगर एसिड में डालते हैं तो ये ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो रेड बन जाता है, ठीक है। अब उस रेड को फिर से अगर बेस में अगर डालते हैं तो रेड फिर से आपका ब्लू बनता है, बात समझे। तो इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास तो रेड लिटमस दिया हुआ है तो आप तीनों टेस्ट ट्यूब में बारी बार से क्या करके डिप करके देख सकते हैं, जिस टेस्ट ट्यूब में आपका वो रेड लिटमस ब्लू होगा उसको आप लिख देंगे कि ये कैसा है, बेसिक है, ठीक है। ये आपका बेसिक है, उस पर लेबल लगा देंगे कि ये बेसिक है। अब तो बच जाता है आपके पास दो टेस्ट ट्यूब, आप बच गया एक डिस्टिल वाटर का और दूसरा एसिडिक सॉल्यूशंस का। अब क्या करते हैं उस ब्लू लिटमस पेपर को जिसमें भी डालें अगर कलर चेंज नहीं होता है, ठीक है, कलर चेंज नहीं होता उसको लेबल कर देंगे कि ये डिस्टिल वाटर है। अगर कलर चेंज हो जाता है तो उसको बोलेंगे एसिडिक वाटर और जो बच जाएगा वो डिस्टिल वाटर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इस प्रकार से आप बारी बारी से चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन मतलब कि कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है या डिस्टिल वाटर है। तो आई होप ये समझ में एक्सप्रेशन आया होगा, इसी को मैंने वर्ड्स में लिख दिया है, जो आप अगर क्वेश्चंस आता है तो आप उसको लिख पाएंगे। आप यहाँ पे देखिए वर्ड्स में लिखा हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ लें, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है जो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ ये देखिए पेज नंबर 22 का है ये क्वेश्चन जो है ना, पेज नंबर 22 से है। पहला क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं, कह रहा है व्हाई शुड कर्ड एंड सॉर्ड सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। कह रहा है कि जो सॉर्ड सब्सटेंसेस होते हैं खट्टे जो पदार्थ होते हैं या तो जो कर्ड होता है दही, इसको हम लोग ब्रास के या तो कॉपर के बर्तन में क्यों नहीं रखते, ठीक है। तो इसका क्या कारण है इसको समझा देता हूं मैं पहले, उसके बाद आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। तो अब जो भी जो होता है एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो आप जानते हैं कि वो बनाता है साल्ट और हाइड्रोजन गैस उसमें से इवॉल्व होता है। तो यहाँ पे वही कारण है यहाँ पे कि अगर हम लोग इस सॉर्ड सब्सटेंस को या तो कर्ड को इस ब्रास के या तो कॉपर वेजल्स के में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन करेगा और वो आपका साल्ट बना देगा, हार्मफुल सब्सटेंस क्रिएट करेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, इस कारण से नहीं रखते। अब देखिए इसका आंसर भी उसी प्रकार से लिखा हुआ है कि कर्ड एंड अदर सॉर्ड सब्सटेंसेस contains acid, therefore when they are kept in brass and copper vessels, the metals react with the acid to liberate hydrogen gas and harmful products, thereby spoiling the food. इस तरह से बोल सकते हैं कि ये food को क्या कर देता है, spoil कर देता है, खराब कर देता है, ठीक है।
इस कारण से इसको हम लोग नहीं रख सकते इस तरह के बर्तन में जो मेटल्स का बर्तन बना हुआ है, जैसे ब्रास और कॉपर। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे रिएक्शंस भी दिया हुआ है कि मेटल प्लस एसिड मिलकर के बनता है साल्ट और उसके बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, ZN जो है मेटल्स एक तरह से है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ZnSO4 ट्वाइस यानी कि जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इसमें से इवॉल्व होता है। तो आई होप ये क्लियर रहा होगा क्यों हम लोग खट्टे पदार्थ को इस तरह के बेजल्स में, ब्रास के या कॉपर के बेजल्स में नहीं रखते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पेज नंबर से है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आ गया, देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल्स। कौन सा गैस इवॉल्व होता है जब एसिड को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं मेटल के साथ। अभी डिस्कस किया हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। उसके बाद इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल्स, इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना है। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, इस गैस मतलब कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन से, इसको कैसे आप टेस्ट करेंगे। तो उसका मैंने यहाँ पे आंसर देखिए इस तरह से, एक आप बुक में NCERT का जो बुक है तो उसमें आप ये फिगर देखे होंगे जिसमें आपका क्या है हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पे एक मिनट बता देते हैं, हाइड्रोजन गैस पहले तो इवॉल्व हो रहा है ये समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से करा कि टेक फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स एंड एड 5 ml ऑफ डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक ग्रैन्यूल्स लिया और 5 ml क्या लिया, H2SO4 लिया, उस दोनों को मिक्स कर दिया। और मिक्स करने से क्या होता है, उसमें से गैस इवॉल्व होने लगता है, बबल निकलने लगता है। कह रहा है कि द बबल्स ऑफ द सोप सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड, दीज सोप बबल्स कंटेन हाइड्रोजन गैस। यही बबल जो होता है वो आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे या जो बबल है, इस बबल के सामने आप एक बर्निंग कैंडल ले जाते हैं तो ये बबल्स बस्ट साउंड के साथ फटता है, मतलब कि पॉफ साउंड के साथ बस्ट करता है। तो ये आपका सिंबलाइज करता है कि ये गैस और कोई नहीं हाइड्रोजन गैस ही है। तो उसके बाद आप देख पाएंगे यहां से करे, वी कैन टेस्ट द इवॉल्व हाइड्रोजन गैस बाय इट्स बर्निंग विथ अ पॉफ साउंड व्हेन अ कैंडल इज ब्रॉट नियर द सॉप बबल्स। तो ये हमारा इसका ओवरऑल आंसर हुआ, तीन क्वेश्चन इसमें था, तीनों का आंसर ये हुआ कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है और उसको चेक करने का तरीका है कि पॉप साउंड के साथ वो बबल फूटता है जब सॉप सॉल्यूशन से निकलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका रिएक्शन वही, अभी जो रिएक्शन था वही रिएक्शन मैंने यहाँ पे रखा है कि जब मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है एसिड तो बनाता है साल्ट और आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। आई होप ये क्लियर रहा होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जो कि पेज नंबर 22 से ही है। देखिए थर्ड क्वेश्चन की बात अगर करें फ्रेंड्स, तो इसमें लिखा हुआ है कि मेटल कंपाउंड ए क्या करता है, रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और इफरविसेंस निकालता है। ठीक है, ये वाला देखिए इफरविसेंस की बात जो कर रहा है, इफरविसेंस मतलब बुदबुदाहट यानी कि उसमें बुजबुजा टाइप का निकलता है। तो क्या कर रहा है कि एक कंपाउंड है, मेटल कंपाउंड ए जो है ये रिएक्ट कर रहा है H2SO4 मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको बोलते हैं HCl, उसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये गैस निकलता है। और ये जो गैस इसमें से जो निकल रहा है वो क्या करता है, बर्निंग कैंडल को बुझाने का काम करता है। आप जैसे कि जानते हैं कि बर्निंग कैंडल कौन बुझाता है, मतलब कि जो बुझाने का काम करता है वो CO2 गैस होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी से रिगार्डिंग आपको क्या करना है, एक केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है। और इसमें एक बताया भी है कि एक कंपाउंड जो है कैल्शियम क्लोराइड है। तो चलिए इसको मैं आपको समझा देता हूं कि क्या है। आपने यहां से देखा होगा कि वी नो डैट मेटल्स कार्बोनेट या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करता है, रिएक्ट करता है जब एसिड के साथ तो साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रिएक्शंस की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट एक तरह से ये मेटल कार्बोनेट हो गया और HCl आपका एसिड हो गया, तो ये रिएक्ट करता है तो NaCl और H2O और CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और साल्ट का फॉर्मेशन करता है। सिमिलर वे में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको रिएक्ट करवाते हैं फिर से एसिड के साथ तो सेम प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसी के रिगार्डिंग आपके पास क्या है, इस साइड जो है देखिए इस साइड जो है NaCl के जगह पे कैल्शियम क्या दिया हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड दिया हुआ है, Cl2 दिया हुआ है। तो आप इसको रिएक्शन देख सकते हैं, रिएक्शंस में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड रिएक्शंस इस तरह से होगा, ये कैल्शियम क्लोराइड जो दिया हुआ था यहाँ से
और एक था आपका कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर था, तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा, या तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो भी आपका ऐसा ही रिएक्शन बनेगा। आई होप ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पेज नंबर कितना से है, 25 से है। इसमें फर्स्ट बोलता है कि why do HCl और HNO3 जो है so acidic character in aqueous solution while the solutions of compound like alcohol and glucose do not so acidic character। कह रहा है कि जो HCl है और HNO3 है ये acidic character aqueous solution में क्यों show करता है लेकिन alcohol और glucose नहीं करता है। तो अब इसका कारण क्या है ये समझिए। देखिए, जो भी acidic character show करता है या basic character जो show करता है उसको आयनिक कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है कि उसको अगर वाटर में मिक्स करते हैं तो वो आयंस में टूट जाता है, प्लस और माइनस में टूट जाता है। ठीक है, एनायंस और कैटायंस में टूट जाता है। तो इसके पास क्या है, HCl और HNO3 जो है इसके पास आप देखेंगे तो HCl क्या होता है, ये टूटता है आपका जब, तो ये बनता है एच प्लस बनता है और साथ में Cl- माइनस बनता है, आयंस में फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे HNO3 भी अगर टूटता है तो HNO3 आपका क्या बनेगा, H+ बनेगा और NO3- बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आयंस में टूटते हैं। लेकिन अल्कोहल ग्लूकोज में ये एक तरह से क्या होते हैं, आप जानते हैं कि फोर्थ चैप्टर में ये बताया जाएगा कि जो अल्कोहल है, ग्लूकोज है, ये सब आपका कोवेलेंट कंपाउंड है जो कि वाटर में मिलाने से आयंस में नहीं टूटते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते हैं और आपका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर्स भी शो नहीं करते। तो यही से रिगार्डिंग आपका आंसर भी हो जाएगा। तो आप आंसर देख सकते हैं, कराए कि दो डिसोसिएशन ऑफ एच सी एल और एच एन ओ थ्री टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस ऑलवेज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और हाइड्रोजन आयंस एच प्लस आयंस कंबाइंस करता है एच टू ओ के साथ तो बनाता है हाइड्रोनियम आयंस एच थ्री ओ प्लस बनाता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को आप इस प्रकार से देख सकते हैं, HCl वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो इस प्रकार से टूट जाता है H+ और Cl- के साथ, और ये H+ वाटर के साथ फिर से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्मेशन कर देता है। अब लेकिन ऑल्दो जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज होता है और अल्कोहल होता है ऑल्सो कंटेन्स हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन कंटेंस होते हैं लेकिन ये डिसोसिएट नहीं होता है वाटर के साथ आयंस में, तो इस कारण से एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट ये नहीं कर पाएगा। तो आई होप ये भी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है, उसके बाद शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बता रहा है फ्रेंड्स, इसमें बोल रहा है व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एक्वस सॉल्यूशन होता है एसिड का, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, ड्राई फॉर्मेट में रहेगा तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा इसका भी आंसर वही होगा कि एक्वा सॉल्यूशन में जो भी एसिड होते हैं वो आयंस में टूटते हैं जनरली, तो आयंस में टूटते हैं और ये ऐसा एसिड होना चाहिए जो कि आयनिक कंपाउंड होना चाहिए, है ना, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे ग्लूकोज ये सब अपना शो नहीं कर रहा था एसिडिक कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इसलिए करता है क्योंकि वो आयंस में टूटता है और यही आयंस जो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ भी वही बात होना चाहिए, वही आंसर होगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये सिंपल सा आंसर है, आप इसको एक लाइन में भी आंसर दे सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, देखिए थर्ड क्वेश्चन आ गया, कह रहा है व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। सिमिलर आंसर इसका भी होगा क्योंकि HCl जो ड्राई HCl गैस है वो आयंस में नहीं टूटता है और क्योंकि ड्राई लिटमस पेपर है तो यहाँ पे उसको वेट नहीं मिला, मतलब कि पानी का मात्रा जरा सा भी नहीं मिला, इसलिए वो आयंस में टूटेगा ही नहीं और आयंस में जब टूटेगा नहीं तो कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा नहीं, कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा नहीं तो लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं होगा। इन दोनों में से अगर एक भी क्या होता, एक्वस होता या तो वेट फॉर्मेट मॉइस्चर फॉर्मेट में होता तो कलर चेंज कर जाता, लेकिन यहाँ पे दोनों ड्राई है क्योंकि गैस भी ड्राई है और आपका लिटमस पेपर भी ड्राई है तो इस कारण से यहाँ पे शो नहीं करेगा। इसी के रिगार्डिंग आप इसका आंसर इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, कलर ऑफ द लिटमस पेपर इज चेंज्ड बाय द हाइड्रोजन गैस, ड्राई HCl गैस डज नॉट कंटेन्स H+ आयंस और इट इज ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन दैट एन एसिड डिसोसिएटेड टू गिव आयंस। बात वही रहा, इस कारण से लिटमस पेपर नहीं चेंज कर पाता है कलर। ओके,
उसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चंस की तरफ फ्रेंड्स। तो फोर्थ क्वेश्चंस क्या है, करें व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, आप जब भी प्रैक्टिकल होगा ना आपके टीचर्स लोग इसको जरूर बताएंगे कि एसिड को वाटर में डालना है ना कि एसिड में वाटर को उठा करके डाल देना है, ठीक है, और वो भी धीरे धीरे डालना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। अब ऐसा क्या होता है, क्या रीजन होता है, सिंस अगर बेस या तो एसिड को हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होता है जिसमें हीट इवॉल्व होता है, हीट जनरली निकलता है, यानी कि अगर किसी टेस्ट ट्यूब में उसको रिएक्शन करवा रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इस कारण से इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ भी क्या होता है, HCl या तो जो भी एसिडिक हो गया या तो बेसिक सब्सटेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, एक्सोथर्मिक होने के कारण हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं करते। अब देखिए उसके बाद अगर हम लोग क्या करते हैं, वाटर में एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते हैं तो मिलाते जाते हैं, उसको स्टीयर करते जाते हैं, घुमाते जाते हैं, तो वो क्या होता है धीरे धीरे गर्म होता है। अगर कंसंट्रेटेड एसिड है उसमें एक ड्रॉप भी वाटर डाल देंगे तो बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट बहुत ही ज़्यादा जनरेट होगा और वो जिस कंटेनर में है ना उस कंटेनर को ब्लास्ट भी कर सकता है, उसको तोड़ भी सकता है, जिससे आपको भी हानि पहुंच सकता है। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आपको एसिड या बेस को आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी में डालना है, ना कि पानी को ही डायरेक्ट एसिड या बेस में डाल देते हैं, ठीक है। तो आई होप्स क्लियर होगा, देख लीजिए इसका एक बार पढ़ लेते हैं इसको भी। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक होता है, केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद द वाटर। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं ना उनके केस में बता रहा है कि कंसंट्रेटेड एसिड है तो उसमें हम लोग जब मिक्स कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा केयर बरतेंगे, ठीक है। अब देखिए और आगे क्या है, कह रहा है कि जो एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग, इसको घुमाते हुए भी रहना है, हिलाते हुए भी रहना है और इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप स्लोली स्लोली ऐड करना है एसिड को वाटर में, ना कि वाटर को एसिड में। अब देखिए इसका उल्टा वाला क्या बताया कि अगर इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, जब अगर वाटर को ही कंसंट्रेटेड एसिड में डाल देते हैं ना तो द हीट जनरेटेड मे काउज द मिक्सर टू स्प्लैश, क्या करता है उस मिक्सचर को पूरा स्प्लैश कर देगा और जल भी सकता है आपका द ग्लास कंटेनर, क्या हो सकता है ब्रेक डाउन कर सकता है एक्सेसिव लोकल हीट के कारण, ओके। तो आई होप समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है इसी पेज से, पेज नंबर 25 से। तो ये क्या बताता है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस H3O+ जो होता है और अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। अब देखिए डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है, किसी सब्सटेंस में अगर पानी का मात्रा बढ़ा रहे हैं ना उसको बोलते हैं डाइल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एसिड वाले में कंसंट्रेटेड हाइड्रोनियम आयंस का पूछ रहा है कि अगर कोई एसिड में जिसमें हाइड्रोनियम आयंस तो प्रेजेंट होंगे ना, तो एसिड में अगर पानी मिला रहे हैं तो क्या होगा, वो धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग से क्या होता है कंसंट्रेशन से डाइल्यूटेड होते चला जाएगा, और कंसंट्रेशन से डाइल्यूटेड होने का मतलब ये है कि उसमें हाइड्रोनियम आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा घटते चला जाएगा। तो यहाँ भी इसका आंसर इसी प्रकार से होगा कि व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस जो होता है ऊपर यूनिट वॉल्यूम क्या करेगा डिक्रीज करते जाएगा। डिक्रीज करने का मतलब ये है कि जो एसिड का जो स्ट्रेंथ था वो धीरे धीरे कम होते चला जाएगा, स्ट्रॉन्ग से वो बेस वीक होते चला जाएगा। तो यहाँ पे दिस मीन्स दैट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या करते जाएगा धीरे धीरे डिक्रीज करते जाएगा। और इसी पेज का लास्ट क्वेश्चन जो है मैं आज डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में, ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा और ये लेक्चर भी लास्ट हो मतलब कि एंड पर है, खत्म होने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन है, सिक्स नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस OH- जो बेस में प्रेजेंट होते हैं अफेक्टेड व्हेन द एक्सेस बेस इज डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH बेसिक इन सॉल्यूशन होता है, आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की बात करते हैं तो ये बेसिक होता है, और इसमें अगर क्या कर रहे हैं इसमें OH- बहुत है, अगर इसमें और बेस मिला रहे हैं तो अगर और बेस जब मिलाएंगे तो क्या होगा OH- का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होते चला जाएगा इंक्रीज करते चला जाएगा बढ़ते चला जाएगा। तो वही बात यहाँ पे बताया है कि बेस में और बेस मिलाएंगे तो OH- का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। तो आई होप एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, और
जल्दी मिलेंगे एक इसके नए पार्ट्स में, सेकंड पार्ट में, तो उसका वेट कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।